सो हे गाइस, आज की वीडियो जो होने वाली है वो होने वाली है SSB बुक OIR की रिव्यू की, जैसा कि आप थंबनेल पर देख ही चुके हैं। लेकिन अगर आपने ये वीडियो पूरी देख ली, आपके OIR में आप 100% आपका कोई डाउट नहीं रहेगा और आप बहुत अच्छा स्कोर करेंगे, बहुत अच्छा। बस आपको वीडियो को एंड तक देखना है, और अगर आपको वीडियो पसंद आएगी तो आप वीडियो को लाइक करके जाएंगे, और आप अगर नए व्यूअर्स हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए प्लीज़, ठीक है। तो इस बुक के बारे में बात करें तो ये DDE की तरफ से बुक है, और डिफेंस डायरेक्ट एजुकेशन, जिनका चैनल भी है यूट्यूब पर और काफ़ी अच्छे सब्सक्राइबर है। प्राइस की बात हम एंड में करेंगे इस बुक के, और साथ ही साथ में SSB OIR का मतलब है ऑफिसर इंटेलिजेंट रेट, ठीक है। जब UPSC वाले रिटर्न में रीजनिंग का एग्जाम कराने भूल गए तो उन्होंने SSB में रीजनिंग का एग्जाम डाला। ये तो मेरी बात है, लेकिन एक्चुअली रीजनिंग का एग्जाम बोलो SSB में लेते हैं, और सबसे पहला एग्जाम जो होता है SSB में वो होता है OIR, ऑफिसर इंटेलिजेंट रेटिंग, जिसमें दो सेट्स आते हैं 50-50 क्वेश्चंस के, ठीक है। और जिनको करने का टाइम लगभग 30 मिनट होता है, तो 30 मिनट में आपको 50 क्वेश्चन करने हैं, फिर वो आप सबमिट कर देंगे, फिर दूसरा वाला वो आपको देंगे, फिर आपको 30 मिनट में 50 क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। ऑनलाइन नहीं होता, उनके पास ऐसी बुकलेट होती है और आपको एक आंसर शीट दी होती है जिसमें आपको ऑप्शन नहीं दिए होते। आपको देखो, जब आप बुकलेट देखेंगे तो उसमें ऑप्शन नहीं है, ठीक है। पाँच पाँच चार चार ऑप्शन जो भी हैं, जो भी होंगे, लेकिन आपको जब आंसर शीट में लिखोगे ना तो ऑप्शन डायरेक्ट जो आंसर है ना वो लिखना है, ठीक है। जैसे पहले का सी है तो, और उससे पहले वो आपको मॉक टेस्ट कराते हैं, लगभग 10 क्वेश्चन वो आपको प्रैक्टिस में कराते हैं, वो खुद ही आंसर बताते हैं, ठीक है। 10 एक सेट से, 10 दूसरे सेट से, लगभग 20 क्वेश्चन, ठीक है। उनके अलावा 50-50 क्वेश्चन होते हैं, ये भी बता दिया। तो ये थोड़ी बहुत जानकारी थी जो आपको पता होनी चाहिए। अब देखिए गाइस, अगर आप SSB OIR में 100 में से 70 क्वेश्चन भी कर पाते हैं, अच्छा टाइम की बात बता दूँ तो 30-30 मिनट मिलते हैं जैसा कि मैंने बताया, लेकिन टाइम जो है वहाँ पर ना घड़ी चल रही होती है, ना आपके हाथ में होते हैं, ना आप लोग उनसे पूछ सकते हैं। जब टाइम हो जाएगा वो आपसे बोल देंगे हैंड्स अप, तो आपको हैंड्स अप करने ही पड़ेंगे, कोई चारा नहीं है। तो आपको अंदाज़ा भी खुद ही लगाना है कि टाइम कब होने वाला है, और गारंटी नहीं है कि 30 मिनट पूरे मिले। वाराणसी में क्या मिला था, एक में 27 मिनट मिली थी, एक के लिए 25 मिनट मिली थी, ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे इतना कम टाइम मिल रहा है, तो ऐसी बात नहीं है, क्वेश्चन बहुत ईजी होते हैं, हद से ज़्यादा ईजी होते हैं। ये ऐसे ऐसे CGL या CHSL की रीजनिंग नहीं आ रही, बहुत ईजी आते हैं। तो गाइस, मैं आपसे ये भी बोलना चाहूँगा, क्वेश्चन से चाहिए तो घबराने वाली कोई बात नहीं है। दूसरी चीज़, अगर आप 100 में से 70 क्वेश्चन भी करके आते हैं और आप PPDT में बहुत अच्छा करते हैं, GD अच्छा करते हैं, ग्रुप डिस्कशन और नरेशन अच्छा करते हैं, तो आप सिलेक्टेड हैं। लेकिन अगर आप इसमें हक देते हैं और फिर वो हल अच्छा करते हैं तो दिक्कत है। मतलब बैलेंस बना के चलना है, या फिर इसमें ख़राब करके उसमें भी अच्छा प्रदर्शन कर देंगे तो भी सिलेक्टेड है। मेरे में जो है ये काफ़ी अच्छा हुआ था, और GD में थोड़ा सा दिक्कत हुई थी नरेशन में, तो उसकी वजह से मैं स्किन आउट। इसमें तो मेरे को लगता है कि 100 में से मेरे 95 के अराउंड प्लस आराम से सही होंगे। तो देखो, अब बात करते हैं इस बुक की। तो इस बुक के बारे में बात करें तो इस बुक में जो दिया हुआ है वो बहुत ज़्यादा दिया हुआ है, ज़रूरत से ज़्यादा दिया हुआ है, इतना हमें नहीं चाहिए होता है, ठीक है। इसमें टॉपिक की बात करें तो इतने ज़्यादा टॉपिक दिए हुए हैं जिनकी आपको बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। ये देखिए, ये अगर आप बुक लेते हैं तो ये आपकी CGL में ज़रूर मदद कर देगी, SSB में करे या ना करे। मेरा मानना है अगर आप ये बुक लेंगे तो आपका एक अंदर से कीड़ा होगा कि आपको पूरी बुक करनी है, पूरी बुक नहीं कर पाएंगे तो आपका कॉन्फिडेंस हाई नहीं होगा, तो ये बुक आपका दिमाग ख़राब कर सकती है और इसको पूरा करने में आपकी हालत ख़राब हो जाएगी। पहली बात, अगर आप इस बुक को पूरा करते हैं तो ऑब्वियसली आप अच्छा स्कोर करेंगे, कोई घबराने वाली बात नहीं है। लेकिन ये बताइए, आप इतने लेवल का करेंगे आप, और वहाँ पर आने वाला है बहुत नीचे, बहुत इस लेवल का कुछ नहीं आएगा, इस लेवल का 2% भी उस वहाँ पर पेपर में नहीं पूछने वाले, ठीक है। तो मेरी तरफ से ये बुक रिकमेंड नहीं है बिल्कुल भी, और आपको लेनी भी नहीं है। अब आपको करना क्या है OIR के लिए वो सुनिए। देखो, जैसा कि मैंने आपको बताया कि वो लोग जो है बुकलेट देते हैं, ठीक है, ये तो अब इन बुकलेट की बात करें तो उनके पास में गिनी चुनी 15 बुकलेट होंगी मैक्सिमम, ठीक है। 53-54 जो बुकलेट नंबर हैं, तो मेरे में जो बुकलेट आई थी वो 73 और 54, या फिर 53 और 74, ऐसा कुछ नंबर थे, ठीक है। तो वैसे करके नंबर वाली उनके पास 8-10 बुकलेट हैं, ठीक है, 15 मैक्सिमम होंगी, और वो बुकलेट 2019 से चली हुई आ रही हैं। तो आप यकीन मानिए, वो ही बुकलेट इधर उधर होती रहती हैं, कभी इलाहाबाद की इधर आ गई, इधर की उधर आ गई, और लगभग चांसेस हैं कि सेम बुकलेट ही मिले हर सेंटर पे, ठीक है। तो AFSU वाराणसी की बात करें तो वहाँ 53 और 74 थी, ठीक है। तो आपको वो बुकलेट करनी है। अब वो बुकलेट कहाँ से मिलेंगी, सही बात है, अब वो लोग रिवील थोड़ी करेंगे, लेकिन हम जैसे, मेरे जैसे बच्चे नहीं, और जो बच्चे होते हैं वो लोग क्या करते हैं कि उन बुकलेट से जो भी क्वेश्चंस, जैसे मैं वहाँ से करके आया हूँ तो मेरे को 5-6 क्वेश्चंस पता है, ठीक है, तो वो मैं किसी टीचर को बताऊँगा,
और वो ऐसे ही हर टीचर बच्चे से कलेक्ट करके आपको कराएगा। अब जब सारे क्वेश्चंस आपको ऐसे मिल जाएंगे तो आपका क्या बचता है? कुछ नहीं, ठीक है। तो आपको वैसे करना है। अब ये कहाँ से करेंगे वो भी मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले लिंक डिस्क्रिप्शन में आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लें, ठीक है। ये PDF के लिए, इसका कोई मेरे संबंध नहीं है, आपका मन है ना करिए। दूसरी चीज़ है, काफ़ी बंदे हैं यूट्यूब पर जो ये सेट करा रहे हैं, नॉट कम्प्लीटली लेकिन जो फुटकर फुटकर में जो क्वेश्चंस करा रहे हैं आपको वो करने हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब हाँ, इसमें धोखाधड़ी हो सकती है कि वो लोग बोल कुछ रहे हैं और आ नहीं रहा है, ठीक है। तो इसका भी एक सॉल्यूशन है, वो है जिनका मैंने सहारा लिया था, अग्रज क्लासेस, AGRAJ क्लासेस। 6-7 हज़ार सब्सक्राइबर उनके, 6,000, और उन्होंने कराया हुआ है। उन्होंने ये मान लीजिए, मैं तो कह रहा हूँ उनका बहुत ज़्यादा थैंक यू, पूरे के पूरे क्वेश्चन उन्होंने जितने भी कराए थे मेरे को लगता है मेरे वाले सेट के कराए थे, ठीक है। तो मेरे को उनके क्वेश्चन से कोई दिक्कत नहीं हुई और जितने मेरे को मिलने चाहिए थे बहुत ज़्यादा मिले। टेलीग्राम ज्वाइन करने के इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि एक सेट शायद उसमें से है कहीं से, PDF के फॉर्म में वो उस ग्रुप में डला हुआ है, ठीक है। आप दोबारा चाहेंगे तो वहाँ पर लिंक पिन हो जाएगा, जो भी है वो आप वहाँ से ज्वाइन कर लेंगे, ठीक है। तो आप अगर YouTube का सहारा लेके SSVOIR के वो सेट कर लेंगे तो बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होने वाला है, बहुत ज़्यादा, ठीक है। और ये बुक की बात करेंगे तो इस बुक की प्राइस 420 डली हुई है, लेकिन इस पर 20% ऑफ मिलता है, तो लगभग आप 80 रुपये घटा दीजिए और 340 रुपये की ये बुक पड़ जाती है आपको। अगर आप CGL CHSL की तैयारी करना चाहते हैं तो ये बुक आपके लिए रिकमेंडेड है, आप ज़रूर ले लीजिए। लेकिन SSB के लिए ये बुक बिल्कुल भी रिकमेंडेड नहीं है, OIR के लिए आप केवल अपना पैसा वेस्ट करेंगे और जितने इसमें क्वेश्चन दिए हैं ईडियम्स फ्रेजेस फालतू की चीज़ें हैं, ये नहीं आने वाली। लेकिन ऐसा नहीं है कि जो उसमें आने वाला है वो इसमें नहीं दिया है, जो आने वाला है वो भी दिया है। अगर आप इस बुक को पूरा करा करके जाएंगे ना तो भी आपके अच्छे नंबर आ जाएंगे, लेकिन जो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, जो तो जरूरत से ज़्यादा पढ़ना हो गया ना, एक तरह से वही बात हो गई। आप CGL की रीजनिंग के लिए आप पता चल रहा है UPSC की रीजनिंग वो पढ़ रहे हैं, UPSC की रीजनिंग GS पढ़ रहे हैं, है ना, उस लेवल की पढ़ाई हो जाएगी। तो आपको उससे बचना है और जो मैंने बताया आप उसको फॉलो करिए, आपका यकीनन सिलेक्शन होगा। OIR में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, 100% गारंटी है। लेकिन ना नहीं, लेकिन लेकिन एक स्टेप ये हो सकता है, जैसे वो सेट 2019 से चले हुए आ रहे हैं, 19, 20, 21, 22, ठीक है। अब हो सकता है वो सेट कभी भी चेंज हो जाए, हो सकता है ना, जैसे 2025 में चेंज हो जाए, 24 में चेंज हो जाए। तो ये वीडियो अगर आप लेट देख रहे हैं ना, 1-1.5 साल बाद शायद अगर आप देख रहे हैं, तो आप इस बात पर यकीन करना, थोड़ा सा चेक कर लीजिए कि सेट चेंज तो नहीं हो गए, ठीक है। फिलहाल तक तो अभी तक वही सेट चल रहे हैं 2019 वाले, ठीक है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए। अगर आप CDS के एस्पिरेंट हैं तो ये आप चैनल आपके लिए मैंडेटरी है ही है, लेकिन आप CGL की भी तैयारी कर रहे हैं तो आप क्वेश्चन से ये चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, क्योंकि इसमें जो क्वेश्चन करा रहा हूँ ना मैं मैथ के, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।